अस्सलामु अलैकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें? उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं पे भी होंगी खुश और आबाद होंगी। आज हम आपके अपने किचन में बनाने जा रहे हैं स्पाइसी कॉर्न चाट, और इन्हें बनाने के लिए जिन अज़ा की ज़रूरत है वो आपके सामने हैं। एक अदद प्याज बारीक कटी हुई, टमाटर एक अदद बारीक कटा हुआ, बीज का गुदा आप निकाल दें, खीरा आधा आधा मैंने लिया है, शिमला मिर्च आधी ली है, नींबू का रस मुझे आधा चाहिए होगा, हरी मिर्च मेरे को चाहिए होगी एक अदद क्योंकि बहुत तीखी वाली है तो ध्यान से यूज़ कीजिएगा। इसके अलावा 2 से 3 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल लिया है। चाट मसाला कॉर्न एक बड़ी प्याली, ये बॉईल हुई हुई है, धनिया पत्ती, नमक, लाल मिर्च का पाउडर और इसके अलावा है सेव। सेव यहाँ पर 3 किस्म की आती है, एक होती है पतली वाली, एक होती है इससे मोटी और एक होती है गाठिए वाली, तो मैंने बिल्कुल बारीक पतली वाली मैंने ली है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आइए चलिए बनाते हैं स्पाइसी कॉर्न चाट। सबसे पहले मैंने अपनी देची को गर्म कर लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 खाने के चम्मच के करीब ऑयल, बस। इसके बाद मैं डालूंगी अपनी कॉर्न, ये मेरे पास एक कॉर्न है, इसको थोड़ा सा भूनूंगी पहले। इसके बाद मैं डाल रही हूँ नमक हस्बे ज़रूरत। इसके बाद मैं डाल रही हूँ चाट ये लाल मिर्च का पाउडर। इसके बाद मैं डालूंगी नींबू का रस। देखते हैं ये मेरे पास नींबू का रस है, अगर मेरा कैमरा फोकस कर रहा तो ये थोड़ा सा नींबू का रस है मेरे पास, ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, तो मैं इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी कॉर्न बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। गर्म कॉर्न में कभी भी आप अपनी प्याज टमाटर वगैरह मत डालिएगा वरना वो पानी छोड़ देगी। अब मेरी कॉर्न बिल्कुल ठंडी हो गई है तो मैं इसमें डालूंगी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और कुकम्बर। अब पहले मैं इसे डाल के मिक्स करूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी चाट बिल्कुल मिक्स हो चुकी है, तो अब मैं इसके ऊपर डालूंगी हरा धनिया पत्ती थोड़ी सी। इसके ऊपर डालूंगी हाथ से चाट मसाला, लेकिन आप चाट मसाला साइड पे अलग से रखिएगा जिसके सामने आप पेश कर रहे हैं, या आप पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, रमज़ान में भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को स्नैक्स के तौर पे भी दे सकते हैं लंच बॉक्स में। इसके बाद मैं डालूंगी अपनी सेव, ये मेरे पास स्पाइसी सेव है, इसमें 2 किस्म की भी सेव आती है, एक स्पाइसी होती है और एक तीखी होती है, आप कौन सी यूज़ करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैं इसके ऊपर वापस डालूंगी धनिया पत्ती। ये मेरी चाट बनके तैयार है, यह है स्पाइसी कॉर्न चाट। उम्मीद करती हूँ आपको और आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। जाने से पहले मेरे साथ एक दफ़ा दरुशे पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट डिश में, तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।